हेलो दोस्तों, अगर आपके पास भी आईफोन है तो आपको इसके इतने महंगे होने का रीज़न भी पता होगा। वेल, नहीं पता तो मैं हूं ना। स्वागत है आपका द साइंस टाइम के एक और अमेजिंग वीडियो में, जिसमें आपको पता चलेगा आईफोन के हिडन फीचर्स और कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों के बारे में। तो तैयार हो जाइए। नंबर वन, आईफोन इतना एक्सपेंसिव क्यों है? ये सवाल सबके मन में आता है, चाहे आपके पास आईफोन हो या ना हो। इसका कारण है ब्रांड वैल्यू। एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है कि इसके नाम से ही लोग इसके मोबाइल खरीद लेते हैं, पर सिर्फ यही एक कारण नहीं है, इसमें सिक्योरिटी के चलते भी लोग इसे खरीदते हैं। सिक्योरिटी से मेरा मतलब है मेलवेयर, वायरस, स्पैम, साइबर अटैक करना इसमें इतना आसान नहीं होता है। नंबर दो, क्या आईफोन हैंग होता है? बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि आईफोन हैंग नहीं करता, और ये बात सही भी है, पर कई केसेस में पाया गया है कि आईफोन भी हैंग होता है। अब हैंग भी आपकी गलती से ही होता है। आप इंटरनेट पर अननोन वेबसाइट विजिट करते हैं जो मेलवेयर वायरस से भरी होती है, ऐसे में वो आपके मोबाइल फ़ोन की स्पीड को धीमा कर देता है और प्रोसेसिंग में भी टाइम लेता है। नंबर तीन, एंड्रॉयड जितने ऐप्स नहीं मिलते। ये बात बिल्कुल सही है कि iOS के कंपैरिजन में एंड्रॉयड में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन मिल जाती है, जिन्हें आप जब चाहे यूज़ कर सकते हैं, पर iOS पर ऐसा करना बिल्कुल आसान नहीं है। इसमें आपको ऐप्स भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, और जो ऐप मिलती है उनमें से भी कुछ ऐप्स पेड होती है, यानी उन्हें इंस्टॉल करने के लिए आपको पैसे देने होंगे। नंबर चार, कैमरा क्वालिटी। आईफोन का कैमरा एज कम्पेयर टू एंड्रॉयड बहुत बढ़िया होता है, जिससे आईफोन सबको पसंद आता है। इसमें आपको जूमिंग क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया मिलती है, और आपकी फ़ोटो पर बैड इम्पैक्ट भी नहीं पड़ता। नंबर पाँच, मेमोरी कार्ड। आईफोन में आप अलग से स्टोरेज बढ़ाने के लिए मेमोरी कार्ड लगाने का कोई ऑप्शन नहीं मिलता। जो आपकी डिवाइस स्टोरेज है उसी से काम चलाना पड़ेगा। नंबर छः, आईफोन बैटरी पावर वर्सेज एंड्रॉयड बैटरी पावर। ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बैटरी पावर के मामले में एंड्रॉयड ही सबसे बेस्ट है। अगर आप गेमर हो और गेमिंग करते हो तो इसे लेने के बाद बहुत पछताओगे, क्योंकि इसकी बैटरी पावर बहुत कम है, और कई सारे गेम्स तो आपको इसमें मिलेंगे ही नहीं। नंबर सात, छोटी खराबी और मोटा खर्चा। वेल, ये तो सबको पता है आईफोन कितना एक्सपेंसिव है, पर इसके पार्ट्स भी कम एक्सपेंसिव नहीं है, और ये आपको हर किसी शॉप में मिलेंगे भी नहीं। नंबर आठ, चोरी। अगर आपके पास आईफोन है तो उसके चोरी होने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं, और जब इतना एक्सपेंसिव फ़ोन चोरी होता है तो दुख भी बहुत होता है। अगर आपसे ये गलती से कहीं गिर गया या कहीं पे आप भूल गए हो, तो इतने महंगे फ़ोन को कोई भी वापस नहीं करेगा। नंबर नौ, आपको आईफोन क्यों लेना चाहिए? आपका छोटा मोटा बिजनेस है और आपको सिर्फ कॉल अटेंड करनी है या फोटोज़ क्लिक करनी है, तो आईफोन आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि इसमें आपका डेटा बहुत सेफ रहता है। नंबर दस, शो ऑफ। वेल, जिसके पास भी आईफोन होता है वो उसका शो ऑफ करने से कभी पीछे नहीं हटते। कभी सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करते हैं, गाइस आज मैंने नया फ़ोन ख़रीदा है, और नीचे आईफोन के साथ अपनी फ़ोटो डालते हैं। सो गाइस, आज की ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करने का मन है तो जल्दी से कर दो, और नहीं तो मत करो।